सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुचामन सिटी से लेकर फुलेरा तक की डबलिंग अपडेट और साथ ही मैं डेगाना से लेकर और मेरता रोड तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट नई वाली लाइन की, यानी कि जो लाइन डबलिंग होने के बाद बिछाई गई थी। एंड ये दोनों ही चीज़ें मैं इस छोटे से इसी वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में जो है ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं हुआ है काम, ना तो डेगाना से लेकर मेरता रोड के नई लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन में और ना ही इधर डबलिंग के मामले में। तो पहले तो बात कर लेते हैं डबलिंग की, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मामला है क्या नहीं। बात करें अगर कुचामन सिटी से लेकर नावा सिटी के एक सेक्शन की, तो 2 महीने पहले जब मैंने आपको इस रूट की जो डबलिंग अपडेट दी थी तो ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं आया है। जो भी फ़र्क है वो केवल कुचामन सिटी से और नावा के बीच में आया है। सबसे पहले तो आप ये ट्रैक देख सकते हो जो कि अभी तक जो है कुचामन सिटी से लेकर और यहीं तक आके ख़त्म हो जाती है। ये जो ट्रैक है इसको कुचामन सिटी की लूप लाइन से जोड़ा हुआ है और यहाँ से आके आप थोड़ी देर ये डबलिंग का काम देखो। तो यहाँ इस सेक्शन में सबसे पहले तो ये जो आप बगल में जो छोटा सा ब्लॉक ब्रिज देख सकते हो, ऐसे जो छोटे छोटे ब्रिज हैं, इन ब्रिजों में से मेजॉरिटी ऑफ ब्रिज हैं उनका काम कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक ब्रिज हैं, इसके अलावा कुछ ब्रिज ऐसे आते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसके बीच में केवल एक छोटा पिलर होता है। होते तो वो छोटे ब्रिज ही हैं लेकिन बीच में एक पिलर भी होता है। उन ब्रिजेस का काम लगभग बाकी है 2-3 ब्रिजों का, लेकिन ज़्यादातर जो हैं नावा सिटी तक के ब्रिज हैं कंप्लीट कर लिए गए हैं। और कुछ 2-3 ब्रिजों का काम है जिनके ऊपर अभी गर्डर रखना बाकी है या फिर उनका काम जो है लास्ट स्टेज में है। और साथ ही बगल में ये जो काली मिट्टी और कंकड़ जैसा ये जो ढेर रखा हुआ है इसको भी आप ध्यान से देख लो, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बात करने वाला हूँ। और जैसा कि आप यहाँ ये ट्रक आता जाता देख सकते हो, यहाँ आगे जो है ये जो मिट्टी का ढेर बताया मैंने उसको डालने का काम किया जा रहा है। और साथ साथ में एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली अपडेट्स में मैं बताता था कि इसका जो ज़मीन प्लेन करने का काम है वो तो काफ़ी महीने, बहुत महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन बीच में जब मानसून आया तो बारिश के सीज़न में जो बारिश हुई उससे यहाँ पे जो है मिट्टी कटाव हो के और बह गई थी। तो बगल में आप देख सकते हो उसको ही रिपेयरिंग करने का काम यहाँ किया जा रहा है। और साथ ही अब ऐसे जो छोटे छोटे ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं, इन ब्रिजेस के दोनों तरफ जो है मिट्टी डाल के पूरा ज़मीन को प्लेन करने का काम भी किया जा रहा है। और बगल में फिर कुछ ऐसी जगह देख सकते हो जहाँ अभी भी कटाव को जो है रिपेयर करना बाकी है। बाकी अभी इससे पहले मैं जाके आया था नागौर और मैं नागौर से लेकर मेरता रोड तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, साथ ही मेरता रोड से डेगाना की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लो। और यहाँ देख सकते हो नीचे आप बिल्कुल अभी ताज़ा मिट्टी डाली जा रही है, अभी इसके ऊपर एक और लेयर डाली जाएगी वही काली वाली मिट्टी की, लेकिन अभी यहाँ पर जो है पूरा रास्ता रिपेयर करके और एक और यह लेयर डाली जा रही है ऊपर मिट्टी की ताज़ा। और आप यहाँ वही काली वाली मिट्टी बीच बीच में डली देख सकते हो। तो इससे आगे जो है काली मिट्टी डालने का काम चल रहा है। ये जो काली मिट्टी है कंकड़ जैसी है जो, इसको बिल्कुल लास्ट वाली लेयर पे डाला जाता है, यानी इसके ऊपर ही जो है ट्रैक्स बिछाई जाती है। ये मेरी पुरानी एक अपडेट्स में से मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और आज मैं बोल रहा था कि मैं नागौर से जाके आया था तो मैंने सोचा इस रास्ते से निकल ही रहा हूँ तो अपडेट तो बना लूँ। अब इससे आगे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है जिसमें आपको दिखाई कुछ भी नहीं देगा, लेकिन मैंने जो पूरी अपडेट है वो ली फुलेरा तक ही है। और यहाँ ये ब्रिज देख सकते हो आप, है तो ये छोटा ही ब्रिज, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बीच में जो है केवल एक ही पिलर है, लेकिन इसके ऊपर के दोनों जो गर्डर होते हैं उनको डाल के और अगल बगल में मिट्टी भरना बाकी है। और ये भी एक मेरा पुराना वीडियो का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, कुछ इस टाइप का ये ब्रिज है। तो ऐसे जो एक पिलर वाले ब्रिज है, इन ब्रिजेस का काम अभी बाकी है नावा से लेकर कुचामन के बीच में। और अभी हम नावा के पहले एक किसी छोटे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, बगल में आप देख सकते हो जो काली मिट्टी यानी कि लास्ट लेयर है उसको डाल के यहाँ पे जो है नया वाला प्लेटफॉर्म का काम किया जा रहा है। तो कुचामन से और नावा के बीच में ही है जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी कटाव हो गए थे बारिश से उसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा है। और जहाँ जहाँ रिपेयर कर दिया गया है वहाँ वहाँ जो है नई वही काली वाली लेयर डालने का काम चल रहा है जो कि लास्ट लेयर होती है। और जो छोटे छोटे ब्लॉक ब्रिज हैं उनको मेजॉरिटी जो है पूरा कर दिया गया है। अब बात करते हैं नावा से और फुलेरा तक के सेक्शन की। तो पहले दो महीने पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि गोविंदी मारवाड़ और घूड़ा के बीच में जो है नई ट्रैक्स बिछाने का काम कंप्लीट हो रहा है। तो अब जो है वही घूड़ा से लेकर, घूड़ा के आउटर से लेकर और गोविंदी मारवाड़ के आउटर जो है बिल्कुल नई ट्रैक बिछा दी गई है, उस पर बेलास्ट लेयर वगैरह पूरी डाल दी गई है। और बाकी इस सेक्शन पर जो 2 मेजर बड़े वाले ब्रिज आते हैं जो कि एक है तुरतमती ब्रिज और एक है मेंढा ब्रिज,
तो इन ब्रिजेस का काम बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। बगल में ये गर्डर जो है बहुत पहले से मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ, ये बना दिए गए हैं और ब्रिज के बगल में रखे हुए हैं। और साथ ये जो नीचे के पिलर्स हैं, पिलर्स में सरिये भी हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, इनमें अभी भी कंक्रीट भर के पूरे पिलर को तैयार नहीं किया गया है। और एक ब्रिज ये वाला है जिसके कुछ शुरुआती पिलर्स के ऊपर गर्डर्स को रख दिया गया है, लेकिन बाकी के जो पिलर्स हैं वो सब बनकर तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी गर्डर्स रखने का काम नहीं किया गया है। और एक और आपको फ़नी बात बताऊं, ये जो एक गर्डर का टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है, ये 2 महीने पहले भी यहीं ऐसे कि ऐसे रखा हुआ था और अब भी ये यहाँ ऐसे कि ऐसे ही रखा हुआ था जब मैंने इसको देखा था। तो पता ही नहीं क्यों इस सेक्शन का काम जो है इतना धीमे रफ्तार से चल रहा है। बाकी उन 2 बड़े ब्रिज के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्रिज भी हैं जिनके पिलरों का काम अभी तक बिल्कुल स्टार्टिंग चरण में है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनका जो ब्रिज है वो बन के तैयार हो चुका है लेकिन दोनों तरफ जो है मिट्टी डालनी बाकी है। बात करें सामर लेक की, तो सामर लेक में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है जो आप ये पहले वाली वीडियो का देख सकते हो, बस मिट्टी डाल के छोड़ दी गई है, इससे आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और सामर लेक से फुलेरा के बीच में जो है वो 2 महीने पहले की तरह जो है सामर लेक से और फुलेरा के आउटर तक जो है ट्रैक्स बिछा दी गई है। और अब बात करते हैं डेगाना से लेकर और मेरता रोड तक के इलेक्ट्रिफिकेशन की, जो कि नई लाइन पे किया जा रहा है, यानी कि वो लाइन जिसको डबलिंग होने के बाद अभी बिछाया गया है। तो अभी आप ये सीन प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 और उधर की साइड का जो 4 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है जिससे गाड़ियाँ डेगाना रतनगढ़ साइड वाली लाइन पे जाती है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जो ऊपर बड़े वाले बूम है इनको लगाने का काम किया जा रहा है। और आती वक्त भी मैंने इसकी अपडेट में बनाई थी, जो आती वक्त मैंने पुरानी वाली लाइन की अपडेट बनाई थी, तो उसको भी आप देख सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा। बाकी यहाँ ये पोल्स लगाने वाली ट्रेन भी खड़ी हुई है, क्रेन वाली, और साथ ही में इसके आगे ये वायरिंग करने वाली ट्रेन भी खड़ी हुई है। और बीच में है आप डेगाना के आउटर में आप खूब सारे पोल्स वगैरह भी रखे हुए देख सकते हो। तो यहाँ जो है फाउंडेशंस बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, और मैंने आपसे बोला था कि जितने भी मेजर स्टेशंस हैं जैसे कि मकराना, मेड़ता और ये डेगाना, इन पे इलेक्ट्रिफिकेशन बड़ा धीमा था, लेकिन अभी जो है चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, इन्हीं पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी रफ्तार पकड़ा है। यहाँ आउटर पे भी आप देख सकते हो हर जगह पोल्स लगा दिए गए हैं और HTBT लगाने का काम चल रहा है, लेकिन यह डेगाना की अपडेट है। डेगाना के बाद जो मेरता रोड तक का रास्ता है नई वाली लाइन पे, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले 2 महीने में जो काम हुआ था अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, यानी जो जो चीज़ें मैंने आपको 2 महीने पहले वाली अपडेट में बताई थी, जिन जिन ने वो 2 महीने पहले वाली मेरी अपडेट देख ली है वो देख लो, और जिन्होंने नहीं देखी है आप भी देख लो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि डेगाना से लेकर मेरता रोड तक की नई वाली लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हो चुका है। तो मैंने वीडियोस तो खैर बनाई है आपको दिखाने के लिए, तो वीडियो तो मैं आपको खैर दिखा देता हूँ हर एक स्टेशन की, लेकिन काम उतना का उतना ही है जितना 2 महीने पहले था।
सो ये था मेरी तरफ से इस इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग की अपडेट में। वैसे आप मेरी अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आप मेरी हर वीडियोस देखते होंगे अपडेट की। मैं हर अपडेट को कितनी डिटेल से देता हूँ, बारीकी से, अच्छे से हर चीज़ बताता हूँ। मतलब हर 50-50 मीटर की भी मैं अपडेट आपको देता हूँ, लेकिन इस वाली अपडेट में बताने के लिए कुछ था नहीं। डेगाना के अलावा, डेगाना से आगे मेरता रोड तक इस नई वाली लाइन पर अभी कुछ भी इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में पिछली वाली अपडेट जो मैंने दी थी उसके बाद अब तक कोई भी इम्प्रूवमेंट थी नहीं, तो दिखाने के लिए कुछ था नहीं। और वैसे ही डबलिंग में भी दिखाने के लिए कुछ था नहीं। हाँ, पर यह अच्छी बात रही कि कुचामन से डावा के बीच में जब कुछ दिखाने के लिए था तो वहाँ जो है दिन का उजाला 7 था, उसके बाद जो है अंधेरा हो गया था। और यहाँ भी यह थी सूरतगढ़ पैसेंजर, सुबह के 8 बजे जो विंडो खोलना, जो है खिड़की खोलना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत ही सर्दीली हवाएं चल रही थी। तो ये जो भी मैंने अपडेट बनाई है विंडो के अंदर से ही बनाई, बट था दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अभी आ चुका है मेरता रोड का बाईपास वाला स्टेशन और ट्रेन जा रही है नागौर की तरफ। बाकी मैंने नागौर से मेरता और से डेगाना की जो है पुरानी वाली लाइन की अपडेट डाल दी है इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो उसको जिस जिसने नहीं देखा है देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और अपडेट और किसी नई वीडियो के साथ।